भाई को मैं वीडियो में देख रहा था इतना दिन से, तो आज मैं भाई के पास गुपचुप खाया तो मेरे को बहुत टेस्ट अच्छा लगा। आगे पीछे वाली तो अभी पूरा सुबह हो चुका है देख सकते हैं, और आलू भी हमारा एक बार उबल चुका है जिसे मैंने यहाँ पर परात में निकाल कर रख लिया है, और कुछ आलू बचा था उबालने के लिए थोड़ा सा, तो उसे मैंने फिर से यहाँ पर उबालने के लिए बैठा दिया हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो वैसे तो मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोग से ज्यादा बात नहीं कर पाता हूँ, तो ये लॉन्ग वीडियो है, और आप लोगों ने कहा था कि रेडी के साथ पहली बार मतलब नए रेडी के साथ खोल रहे हो तो लॉन्ग वीडियो जरूर बनाना, तो मैं लॉन्ग वीडियो लेकर आ गया हूँ। साथ ही यहाँ पर चलिए रेडी करते हैं सभी को, और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सब्सक्राइबर भी आए हैं सुबह सुबह। बाकी ये रही हमारी रेडी जो कि पीछे साइड रखा हुआ था, और कुछ सब्सक्राइबर आए हैं, इनसे मिलते हैं, पूछते हैं मतलब कहाँ से मतलब आ रहे हैं। बाकी ये रही हमारी नई रेडी जो कि मैंने पीछे साइड खड़ी कर दी थी, और आज इतने दिनों के बाद पानी पूरी लगा रहा हूँ तो आज का सेल कैसा रहता है चलिए आज देखते हैं। तो चलिए रेडी को वहाँ पर लेकर चलते हैं और थोड़ा बहुत सामान को उसके ऊपर में रखते हैं। और पहले जो रेडी था वो मतलब बहुत भारी था क्योंकि पूरा लकड़ी का था, तो मैंने लोहे का एंगल का हल्का हल्का बनवाया है, अपने हिसाब से छोटा भी है तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा हल्का है। तो चलते हैं। चूल्हा गर्म रहता है, अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये मतलब कारपेट जल जाएगा, तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले पलाई रखेंगे जो कि मैंने कट पीस रखा हुआ है घर पे, तो उसको लाकर पहले रखते हैं फिर उसके ऊपर में चूल्हे को रखेंगे। ये रहा पलाई, चलते हैं इसको लेकर रखते हैं। पहले ये वाला पलाई लिया था जो कि बहुत लंबा था, लेकिन ये वाला प्लाई यहीं पे पड़ा था जो कि ठेकेदार का है दीरानाथ का, तो उसी को मैं यूज कर रहा हूँ। उसे मैं उसको मतलब फोन लगाया था अभी मैंने पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि चलो ले लो, तो मैं उनसे कहा हूं कि जितना भी इसका पैसा लगेगा मैं आपको पे कर दूंगा, तो वो कह रहे थे कि नहीं लगेगा दे देना, मतलब जो भी करते हैं यहाँ पे। और अभी चूल्हा को उठाते हैं, भाई साहब वजन है थोड़ा मिट्टी का है ना, ये देखिए। चलिए आलू वगैरह को छीलते हैं, मसाला तैयार करते हैं। आलू को लेकर आ गया हूँ, तो छोटा छोटा आलू है इसीलिए इसको मतलब छीलने में ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर बड़ा होता तो जल्दी छील जाता। देखो जो जी यहाँ पर रोटी बना रही है, और रोटी लगभग बन गया है, लेकिन ये क्या जला हुआ रोटी, जला जला रोटी बन रहा है, लेकिन इस कारण से नहीं क्योंकि देख सकते हैं थाली में ये बेला जा रहा है, क्योंकि कल का चौकी यहाँ से गिर के टूट चुका है जो कि पत्थर का चौकी था इसीलिए। तो चलिए रोटी तो बनकर तैयार हो गए हैं, और आज सब्जी कुछ भी नहीं है, ये खाली अचार है, तो अचार के साथ ही इसे खाते हैं। चलिए चलिए नाश्ता करके मैं तो तैयार हो गया हूँ रेडी पर, सारा सामान को लाकर अब रेडी को तैयार करते हैं। गोलगप्पा ये रहा हमारा चाट, ये आ गया भाई साहब हमारा खट्टा पानी, और ये है नॉर्मल पानी पीने वाला। तो चूल्हा को जलाने के लिए जो जी यहाँ पर कोयला निकाल रही है बोरी से, तो ये झोले में कोयला है जो कि बाद में भी हमें डालने का काम आएगा, तो इसे मैं लेकर जाऊंगा। और चलिए सबसे पहले चूल्हे को जला लेते हैं। अब रेडी पर रख लिए हैं पूरे सामान को, और रेडी हो गया है पूरी तरीके से तैयार, तो चलते हैं अभी वहीं पर जहाँ पर हम पहले पानी पूरी लगाया करते थे। तो चलिए मैं रेडी को लेकर निकल ही रहा था तभी यहाँ पर मुझे एक दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, पता है वो दिक्कत क्या है, दिखाता हूँ। दिक्कत यही है कि अभी गेट लगने के लिए हमारे ही मतलब घर मालिक का यहाँ पे गेट लगने के लिए, और पिलर का मतलब खुदाई किया जा रहा है जहाँ पे पिलर फिट होगा, तो पहले यहाँ पे देसी वाला गेट हुआ करता था वो अभी नया लगने वाला है लोहे का, तो उसके लिए अभी काम चल रहा है, तो थोड़ा दिक्कत होगा यहाँ से, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा मिट्टी हटाना पड़ेगा फिर यहाँ से पार हो जाएगा। तो चल मैं अपने रेडी को यहाँ पर लेकर फाइनली आ गया हूँ, अभी सारा तैयारी करता हूँ क्योंकि ग्राहक बहुत जल्दी आते हैं, थोड़ा थोड़ा धुआं दे रहा है लेकिन थोड़ी देर में यह जल जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आने के साथ ही साथ स्कूल के बच्चे आए थे जिन्हें पानी पूरी खिलाने के बाद सबसे पहले मेरा बोनी हो चुका है, और अभी कुछ भाई और आए थे जिनमें से कुछ सब्सक्राइबर भी थे, उन्हें भी मैंने पानी पूरी खिलाया है, और अभी कुछ और मतलब यहाँ पर स्कूल वाले बच्चे आ चुके हैं जिन्हें आप पानी पूरी खिलाना है। तो स्कूल वाले बच्चे तो आए थे, उन्हें बोहनी कराने के बाद और भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर आए थे जिन्हें भी मैंने पानी पूरी खिलाया, और मेरा लगभग 120 रुपये का बोहनी मेरा हो चुका है,
और चलिए अभी बैठ कर इंतजार करते हैं और भी ग्राहक का और देखते हैं आज क्या रहता है प्रॉफिट और कैसे सेल होता है क्योंकि आज पहला दिन है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा जैसा हो गया था, घास फूस, तो उसे यहाँ पर जो जी कसी से सफाई कर रही है। भी यहाँ पे सफाई करने के साथ साथ ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर मेरा एक छोटू सा कई बार आ गया है पानी पूरी खाने के लिए, तो चलिए इसे पानी पूरी खिलाते हैं। बढ़िया, कैसे है आपको? मम्मी पापा कहाँ है? मेरे पापा वहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, वही है क्या? भाई को मैं वीडियो में देख रहा था इतना दिन से, तो आज मैं भाई के पास गुपचुप खाया तो मेरे को बहुत टेस्ट अच्छा लगा। चूल्हा एक बार बुझ गया था, अभी फिर से जलाया हूँ। अभी बैठ कर यहाँ पे ग्राहक का इंतजार कर रहा हूँ, देखता हूँ। बहुत टाइम हो गया, लगभग आधा घंटा, कोई भी ग्राहक अभी तक नहीं आया हुआ है और अभी लगभग 12 बज चुके हैं दोपहर के। एक ग्राहक आ चुके हैं हमारे, तो चलिए ना जल्दी से अभी पानी पूरी खिलाते हैं। हम लोग इनके पास रोज पानी पूरी खाने आते हैं, हमें अच्छा लगता है। और अभी थोड़ी देर पहले स्कूल वाले बच्चों के साथ साथ मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी पानी पूरी खाने आए थे, जिन्हें पानी पूरी खिलाने के बाद अभी मेरे पास इतना सारा चाट बचा हुआ है, तो लगभग लगभग आधा चाट अभी खत्म हो चुका है। और अभी मेरे पास जितना भी चाट बचा हुआ है ना, उसका चिंता मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब 4 बजता है ना तो स्कूल का छुट्टी होता है, तो स्कूल के बच्चे उस टाइम आते हैं और सभी चाट को खत्म कर देते हैं। तो देखते हैं, आज भी पहला दिन है, अगर स्कूल के बच्चे आएंगे तो सारा चाट बिक जाएगा। वैसे अभी मेरे पास लगभग ये आधा चाट ही बचा हुआ है, देख सकते हैं। और मैंने थोड़ा प्याज भी काट के रखा है, क्योंकि बीच में कई ग्राहक आ जाते हैं, जैसे कि अभी। तो अभी मुझे पानी पूरी बेचते हुए यहाँ पे सुबह से शाम हो चुके हैं, लगभग 4:30 हो गए हैं और लगभग आधा से भी ज्यादा चाट यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। और अभी लगभग स्कूल का छुट्टी शायद हुआ नहीं, इतने टाइम तो हो जाते हैं, स्कूल के बच्चे आ जाते हैं। चलो, स्कूल का छुट्टी तो हो गए, कुछ बच्चे अभी जा रहे हैं, कुछ बच्चे पानी पूरी खाने के आए हैं, तो चलिए अभी पानी पूरी खिलाते हैं। भाई अभी लास्ट में पानी पूरी खाने आए हैं और मेरा सब्सक्राइबर है, कहाँ तो भाई? मैं खरसिवा में हूँ, स्पेशली भैया के लिए वेट कर रहा था इतना दिन से, भैया का पानी पूरी ठेला लगा है और मैं खाने आऊँ। और क्या नाम बताया आपका? अनीश। बाकी कैसा है टेस्ट हमारे यहाँ का पानी पूरी का? वैसे सभी को पानी पूरी खिलाने के बाद अभी देख सकते हैं चाट लगभग कितना बचा है, मतलब खत्म ही हो गया है। तो चलिए अभी चलते हैं, सारा सामान को क्लोज करते हैं। और आज पहला दिन था नए रेडी के साथ, तो देखते हैं आज कितना का प्रॉफिट बना है, यानी कि बिक्री कितना है और प्रॉफिट कितना होता है, आप लोग चल के बताते हैं घर में। तो चलिए सारा सामान क्लोज करते हैं, फिर चलते हैं। किसी का जगह को क्यों गंदा करना, अपना काम है तो सफाई ही अपना है। मैंने तो सोच लिया था कि आज मेरा चाट नहीं बिकेगा, क्योंकि इतने दिनों के बाद मैं पानी पूरी का दुकान लगाया था तो पुराने वाले ग्राहक नहीं आएगा सोचा था, लेकिन भगवान के दया से आज पूरा चाट मेरा बुक चुका है। शाम होने के पहले स्कूल वाले बच्चे आए, पुराने वाले, और पुराने वाले कुछ ग्राहक थे, सब्सक्राइबर थे, और बहुत ही अच्छा चला है। बाकी और भी अच्छे अच्छे लॉन्ग ब्लॉग के साथ, शॉर्ट ब्लॉग के साथ आप लोग को मिलता रहूंगा। इस वीडियो में आप लोग विदा दीजिए, और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट करके एक बार जरूर बताना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना।